क्या सभी के इतना करीब जाने के बाद भी ईशान रीवा को चुनेगा? वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में कई सारे धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। जैसे कि रीवा की एंट्री होने वाली है, तो वहीं ईशान सभी की नजदीकियां जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, चाहे फिर वो सबके सामने हो या फिर अकेले में। क्योंकि आज के एपिसोड में आपको दो दो मोमेंट ऐसे देखने को मिलने वाले हैं जहां ईशान सभी की फिक्र करता हुआ नजर आएगा, वहीं पर सभी के लिए वो हंसेगा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के लिए फीलिंग्स ईशान के मन में जाग चुकी है। लेकिन क्या रीवा आकर सब कुछ तबाह कर देगी? चलिए बताते हैं क्या होने वाला है सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में। अब जैसे कि आपने देखा कि कंपटीशन चल रहा था, तो कंपटीशन के बीच में ही सभी के हाथ में चोट लग जाती है। वही दुर्वा, सुरेखा, यशवंत सबके सब खड़े होते हैं, जहां पर ईशान जो है सबके सामने सभी के हाथ में पट्टी बांधने लगता है। आप देख सकते हैं ये मोमेंट कितना अच्छा है, जहां पर सभी के लिए ईशान को इतनी फिक्र हो रही है। ये मोमेंट देखते ही दुर्वा का प्लान जैसे फेल हो जाता है। दुर्वा जो है घूर घूर कर सभी ईशान को देख रही है। वहीं सुरेखा जो है वो भी बैठी है, और सुरेखा जो है वो भी इन दोनों को इस तरह से देख रही है क्योंकि उसको टेंशन हो रही है कि कहीं सभी ईशान करीब ना आ जाएं। वहीं यशवंत भी इन चीजों को नोटिस कर रहा है। लेकिन इन सब से हटकर अगर आप देखेंगे कि सभी जो है वो तो ईशान की आंखों में अपने लिए इतनी केयर देखकर कहीं ना कहीं खुश हो रही है। वहीं शांतनु जो है वो भी इन दोनों को इस तरह मुस्कुरा के देख रहा है कि क्या ही कहें। कहीं ना कहीं शांतनु को भी पता चल चुका है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वहीं अगला ही मोमेंट आता है जहां पर सभी और ईशान कैबिन में बैठे हुए हैं, जहां पर सभी जो है वो भी बैठी होती है, तो ईशान उसके हाथ पर आइस पैड रखता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कितनी देर तक साथ में एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। फिर वहां शुक्ला जी आते हैं, जहां पर लंच की बात होती है, तो सभी जो है सारा का सारा ईशान का लंच खा जाती है और ईशान हंसते हंसते सभी को देखता रह जाता है। आपने देखा कितने सारे प्यारे मोमेंट है। तो टोटली आज आपको बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे देखने को मिलने वाले हैं जहां पर सभी ईशान नजदीक आएंगे। तो वहीं पर रीवा जो है वो पागलों की तरह ईशान का वेट कर रही है, यानी कि ईशान के पास जाने के लिए वेट कर रही है। और हम देख सकते हैं कैसे उसने ईशान की फोटो को अपने दिल से लगाया हुआ है और कह रही है कि ईशान मैं तुम्हारे पास जल्दी आ रही हूं। और रीवा ने कॉल भी कर डाला है भाई अपने पापा को कि पापा मैं आप लोगों के पास आ रही हूं। लेकिन रीवा कहीं और नहीं बल्कि सीधा ईशान के पास पहले जाएगी। वही बात करें सुरेखा की, तो सुरेखा और यशवंत इनसिक्योर होने वाले हैं, जहां पर यशवंत को भी शक होगा कि कहीं ईशान सभी नजदीक ना आ जाए। और वहीं पर सुरेखा जो है वो काफी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा जब इतने सारे दुश्मनों के बाद भी सभी और ईशान एक होंगे। आप कितना एक्साइटेड हैं ईश्वी के मिलन के लिए कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह की बहुत सारी अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।